अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मुंबई के कई इलाकों में देखने मिल रहा है कि सोने की डिमांड भी बढ़ी है। खास तौर पर ये जिसे हम राम के पैराफर्निलिया कहते हैं या उनकी मूर्तियां या उनका मर्चेंडाइज भी यहाँ देखने मिल रहा है। हम यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि जब ये राम टेम्पल की कॉन्सिक्रेशन की डेट अनाउंस की गई और उनकी जो डिज़ाइन मंदिर की रिलीज की गई, क्या आपने ये सारी चीज़ें तभी बनानी शुरू की या पहले से भी बना रहे थे? जब ये राम मंदिर का डिज़ाइन आया तभी हमने कॉइन बनाना शुरू कर दिया था, और तभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना हाई डिमांड होएगा, इतने लोग आएंगे और इतनी चीज़ें मांगेंगे जिसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो तभी से कॉइन बनना चालू हो गया था, पर कॉइन तभी स्टार्टिंग में इतना डिमांड नहीं था। धीरे धीरे उसका डिमांड पिकअप हुआ, और अभी जैसे ही जनवरी आया तो ऐसा डिमांड आया कि अभी हम उसको मीट नहीं कर पा रहे, और उसके साथ ही थोड़ा थोड़ा लोग एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स मांगने लगे, तो उसमें और क्रिएशन किया, मंदिर बनाया, राम दरबार के बनाए, तो ये सब भी चीज़ें हिल रही है, पर जो मूर्तियाँ और जो कॉइन्स के जो डिमांड है वो अभी भी मीट नहीं हो पा रहे। जैसे आपने कहा डिमांड बढ़ गई है प्रोडक्ट्स की, तो किस तरह के प्रोडक्ट्स है और क्या क्या है आपके रेंज में? अपने हमारे पास मेजरली जो मेन मूविंग प्रोडक्ट्स है वो है सिल्वर कॉइन्स है और सिल्वर मूर्तिज़ है। फिर गोल्ड मूर्तिज़ की भी डिमांड है और गोल्ड कॉइन्स की भी डिमांड है, पर इतनी नहीं है जितनी सिल्वर की है, क्योंकि एक बजट उसका काफ़ी हाई लेवल हो जाता है। फिर हमारे पास पूरा राम दरबार का ये है, राम जी खुद है, और ये फ्रेम में भी बनाया जिसमें राम जी है, जो थोड़े बजट में आ जाती है, और इसमें भी सिल्वर में भी एक थोड़े फ्रेम बजट में जहाँ पे मूर्ति लगाई है राम जी की वो आ जाती है। एक कस्टमर्स के माध्यम से समझना चाहूँगा, वो लोग को पता कैसे चला कि आप ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, या सीधा आपके पास आके पूछ रहे हैं कि राम की मूर्ति है या क्या है, एग्जैक्टली कैसे होता है ये? जैसे हमने क्रिएशन करना चालू किया, उसको डिस्प्ले में लगाना चालू किया, तो लोग चलते चलते देखने लगे कि ये सब चीज़ें भी अवेलेबल है, तो ये सब चीज़ें से लोगों को ऑप्शन मिलने लगी, ऑप्शन से देखने लगे और चॉइस कर करके एक एक चीज़ जो पसंद आ रही है वो लेते जा रहे हैं। कोई भी चीज़ बनाई हमने ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं, हर एक चीज़ चल रही है, सब अपने चॉइस से ले रहे हैं, और ये एक आस्था से लेके जा रहे हैं, एक श्रद्धा से लेके जा रहे हैं कि ये लेके जाके अपने घर में रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि राम जी उनके घर में बसे हुए हैं जी। और मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये आप पेन भी बना रहे हैं, ये चांदी के सिक्के वगैरह भी है, तो क्या इन छोटी छोटी चीज़ों की भी डिमांड उतनी ही है? पेन की डिमांड थोड़ी कम है, जहाँ से लेके कॉइन देखा जाए तो कॉइन इतने बिक रहे हैं कि हमारे पास लास्ट तक कस्टमर को देने के लिए कॉइन नहीं बच रहे हैं। बाकी चीज़ें हैं, मूर्ति भी काफ़ी फास्ट जा रही है, तो मूर्ति जितनी है सब निकल जाती है। बाकी ये जो फ्रेम्स बनाए हैं, ये फ्रेम्स की डिमांड थोड़ी कम है, पर लोग फिर भी ले जा रहे हैं और इसको आराम से मीट कर पा रहे हैं हम लोग। एक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझना चाहूँगा, इस तरह की डिमांड सिर्फ आप ही के शॉप में है और आप ही इकलौते लोग बना रहे हैं, या पूरे जवेरी बाजार में भी आपको सुनने को मिल रहा है कि क्योंकि अयोध्या में आने वाला जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, तो उसके बिल्डअप को लेकर सब जगह पे भी इतनी ही ज़्यादा डिमांड है? हमने फैक्ट्री से बात की है, फैक्ट्रीज अगर दिन में 100 कॉइन बना रहा है तो हमको खाली 5 कॉइन दे रहा है, तो ये खाली मुंबई सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में मेजर सिटीज़ में सब जगह माल जा रहा है, मेजर सिटी से 2 टायर में जा रहा है, 2 टायर से 3 टायर में जा रहा है, तो ये पूरा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो A to Z तक जा रहा है। मतलब अगर मैं दिन में 100 कॉइन मांगूँ तो मुझे नहीं देगा डिस्ट्रीब्यूटर, मुझे 5 ही कॉइन देगा, तो उसका पूरा एक चैनल सेट है, और ये खाली बॉम्बे की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया, और वहाँ से मेजरली एक्सपोर्ट्स में भी जा रहे हैं, तो खाली एक इंडियन मार्केट नहीं है, इवन इंटरनेशनल मार्केट इसमें जुड़ा हुआ है। सर, आपसे एक सवाल समझना चाहेंगे, इसे मैं सिर्फ धर्म या राम के नाम नहीं कहूँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सोना को लोग और चांदी को भी एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं, तो आपकी क्या राय है इस मामले में कि लोग भगवान की मूर्तियाँ एक सोने की हो तो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक इन्वेस्टमेंट डबल पर्पज से खरीदते हैं? इसमें क्या है, देखिए, अगर एक आस्था का भी विषय है और एक इन्वेस्टमेंट भी है। आज मैं अगर कोई भी एक कस्टमर आएगा एक कॉइन ले लिया, तो आज 22 जनवरी 2024 जो याद रखी जाएगी, जो इतिहास में तारीख, जो कि आने वाली पीढ़ियों को बताया जाएगा कि हमने ये सिक्का प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर लिया था, तो वो आने वाली पीढ़ियों को भी एक इंस्पायर करेगा, सेविंग्स भी रहेगी और एक बिजनेस सर्कुलेट भी हो रहा है और खुशी का माहौल है हिंदुस्तान के अंदर, नहीं पूरे विश्व के अंदर, तो बिजनेस भी इससे बढ़ रहे हैं, आज नए नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। आज प्रभु राम की मूर्तियाँ बोलो आप, झंडे बोलो,
यहाँ हर जगह हर मार्केट में देख रहे इतने यहाँ पे, ये साउथ मुंबई का बिजनेस हब है। यहाँ पे देखेंगे तो हर जगह कहीं भी देखो तो आपको अयोध्या और भगवान राम की सब नज़र आएंगे। राम में हो गई है मुंबई। क्योंकि आपने रोजगार एम्प्लॉयमेंट की बात की, तो मैं समझना चाहूँगा कि क्या आपके लेबरर्स या जो आपके साथ जो कारीगर या आर्टिस्ट थे आपके पहले काम करते थे, क्या ये सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ने के बाद उनकी भी एम्प्लॉयमेंट और आपके तरफ से उनकी डिमांड अवेलेबिलिटी की क्या ज़्यादा बढ़ गई है? आपको ज़्यादा लोग वगैरह ऐसा कुछ लग रहा है? 100% अगर देखिए डिमांड में आती है तो अगर अगर इंसान के अगर हाथ काम में लगेगा, फैक्ट्री में जैसे वर्कर पहले 5 थे तो उनको 10 लगाने पड़ते। अभी हमारे सर ने बोला कि पहले 100 कॉइन बनते हैं तो 5 कॉइन जा रहे हैं, तो 100 के लिए वो 500 बनाने की कोशिश करेगा तो ज़रूरत है कि उसमें आदमी रोज़गार के लिए आदमी आएगा, आदमी को एम्प्लॉय को रखना ही पड़ेगा, जिससे रोज़गार को तो बढ़ेगा ही, ऑफिशियली बढ़ता है। जी धन्यवाद आप सभी को। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये सारी मूर्तियाँ, ये जय श्री राम की पेन, ये गोल्ड एंड सिल्वर कोटेड रेप्लिका जो टेंपल का एक बाहरी स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये आने वाले प्राण प्रतिष्ठा के पहले ये सारी चीज़ें रेडी कर दी गई है। और यहाँ पर इस दुकान में और इस मार्केट में तरह तरह की जगहों पर डिमांड बढ़ चुकी है। कैमरामैन नितिन के साथ देव कोटक, आज तक मुंबई।